तूने क्या किया? मैंने, अरे मैंने तो 100 सांप मेरे ऊपर डाले थे, हाथ बांध दिए थे, पैर बांध दिए थे, वो स्टंट मैंने किया, तूने क्या किया? मैंने क्या किया? स्ट्रॉबेरी के मक्खी खाना वो तेरी भूख थी, स्टंट का बता। किरण मैम छोटे कैसे हो गए? वो तो हम कब के छोटे हुए हो। हाँ। वो सब तो ठीक है। हाँ जी। पर आपने कभी माथे पे बिस्किट रख के बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पर... अनियन, पटैटो, टमाटो, कैरेट के सिवाय कभी खाना बनाया? नहीं। कभी पैरों के बीच पर बॉल रखकर लेकिन इनको देख के मैं और भारती दीदी, हाँ जी? आप पंजाब से हो ना? एक मिनट ना, मैं ये वाला कर लेता हूँ। मैं राजस्थान में रहता हूँ। अच्छा, मुझे गर्वित, आप तीनों जजेस बताओ, आपकी तीनों की सीट कहाँ पर है? उधर सीट वहाँ पे। कहाँ? अरे वहाँ पे, वहाँ पे जा। यार ये बच्चे सच में असली वाले? गर्वित अभी तो शुरुआत है। कि मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि बच्चे आपको कितना तंग करते हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा हर्ष, मुझे आप बताइए, स्टंट करते वक्त सबसे ज्यादा किसको याद करते थे? मम्मी को। मम्मी को। और आप? मैं तो थोड़ी सेल्फ डिपेंड हूँ, मतलब मैं भी मम्मी को। चलो, आप दोनों को अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही है तो आंटी आप बताइए, जब भारती छोटी थी तो वो क्या अजीब सी चीज खाती थी? कुछ अजीब नहीं, बस ये गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मक्खन, घी चाहिए इसको, इतना मक्खन चाहिए। आज कोई नहीं रोकेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोल दीजिए आंटी। नहीं, आज तुम्हारी बारी भी आनी, तुम्हारी मम्मी भी बोलेंगे। बहुत कुछ खाती, कभी साड़ी लेनी? कोई बात नहीं, आज साड़ी, आज मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगी। साड़ी? कह रही सारी पोल खोल दूंगी।
मैं हर्ष की मम्मी से पूछना चाहूंगा कि आपको जब हर्ष ने पहली बार भारती के बारे में बताया तो आपका क्या रिएक्शन था? मुझे थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। आंटी आप बताइए, आपको जब पता चला कि हर्ष गुजराती है तो आपको नहीं लगता कि खाती पीती यू नो लड़की शाकाहारी घर में जाएगी? कैसे मतलब अपने मैनेज भारती से शादी की, आप बताइए कि आप दोनों में से बड़ा खतरों का खिलाड़ी कौन है? मैं, क्योंकि मैंने भारती से शादी की है। मेरे लिए सोचो कितने खतरे की बात, मैं तो चलते फिरते भी डरती रहती मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। लेकिन हम बहुत खुश हैं, एक अलग सा कॉम्बिनेशन है पंजाबी और गुजराती का। मतलब जब पंजाबी खाना खाना होता है तो मम्मी को बोल देते बनाओ, जब गुजराती खाना खाना होता है तो सासू माँ को बोल देते बनाओ, तो हमारे मजे हैं। आंटी जी, जी आंटी, क्या लगता है आपको आज किचन चैंपियन का जो ताज है वो कौन जीतेगा? हम कह नहीं सकते क्योंकि आज हमारे जो जजेस हैं वो बच्चे हैं। तो हमको जिता दोगे ना दोनों को? अगर आपको हमें जिताना होगा ना तो ऐसे नहीं जिताएंगे। कैसे फिर? खाने से। और जो जीता उसे स्माइलीज मिलेगी, जब आपके डिश बन जाएगी ना तभी देंगे। अच्छा ठीक है। जिसके मोहब्बत की शुरुआत आस्ते से हो और दिन की शुरुआत जबरदस्त नाश्ते से हो, नाश्ता का वास्ता। इस राउंड में आपको बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। अच्छा ठीक है, जो पौष्टिक हो, फंटास्टिक हो, और आपको सिर्फ मिलेंगे 15 मिनट। ओह, तो भारती आंटी जी आप बताइए कि आज आप बच्चों के लिए क्या बनाएंगे? राजमा एग रोल बनाएंगे हम। राजमा मम्मी अक्सर रात को ही बना के रख लेते हैं ताकि मुझे शूटिंग में लेट ना हो, सुबह उठ के बना देते हैं, लेके जाते हैं डब्बा पूरा भर। हांडवो, हांडवो एक गुजराती डिश होती है जो हम लोग नाश्ते में खाते हैं। पौष्टिक भी होती है बच्चों के लिए। ओके, बहुत अच्छी होती है। मेरे बच्चे के लिए मैं पौष्टिक खाना ही बनाती हूँ। और उसके साथ हम सोच रहे थे कि अचारी कुछ। दही एक कटोरी,
ओके। और ये बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो कैरेट कैरेट डाल दिया आपने, चलो उसमें। कई बार जैसे मैं शादी से पहले बहुत लेट आता था घर पे, बट अब टाइम पे आता हूँ, लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई है। टाइम पे आता है और भारती कैसे जल्दी से आ जाती है घर पे, काम हो गया चलो फिर मेरे साथ रहती है, ये मेरे साथ नहीं रहता है। मैं क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा काम करता हूँ। सुबह सुबह जब मुझे लेट हो रहा होता है कि भारती शूट पे जाना है, हम लेट हो रहे हैं भारती, हम थोड़े जूस वाले सलाद वाले लोग हैं, लेकिन ये मैडम बकायदा अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे उठे और पराठे दाल भारत आप मेरी माँ। भारती तुमने मुझे बताया नहीं कि इसमें तुमने क्या क्या डाला, डाले ही जा रही है। मैंने इसमें काली मिर्च डाली, काली मिर्च थोड़ा डाली सा नमक और लेकिन आपका नहीं बनाऊंगी आज घर में, मैंने बोला। अच्छा, और कोई रोमांटिक मोमेंट तो बता। जैसे मैं तो बड़ी रोमांटिक हूँ, हनीमून पे हम यूरोप गए थे, स्विट्जरलैंड, पहली बार पंजाब से निकल के मुंबई के बाद इतनी सारी स्नो देखी, मेरा मुंह ये सब खुला रह गया। और हमने ठिठुरते हुए फिर एक गाने पे म्यूजिक वीडियो बनाया था, है ना हर्ष? चलो भाई गाना लगाओ। भारती ये मैं पलट दूंगा तेरे लिए। हाँ
ऐसे करके अर्जुन पे मारने लगी थी वो, उनकी बीवी ने पहचाना नहीं था कि ऐसा कौन आया घर। हम सीधा करवा देंगे। पति हाँ। जो शूटिंग में आने से पहले बेबी बना रहा, रुक जा बेबी बना। क्या बात है हा? लगा भी सागी तारीफ की तो देखना फिर तेरा क्या। दाल ढोकली क्योंकि मम्मी को आती ही नहीं। और मम्मी कौन सी चीज सास से बेटर बनाती है। तो आंटी बताइए ये क्या है। ये तेल डाला है। ओके। फिर राई। राई ओके। और लाल मिर्च जौक डालते। ये कश्मीरी मिर्च है और ये तिल है। इसको खाना दो, भूख लगी है खाना दो। हाँ दे रहे हैं। भूख लगी है खाना दो। और अब वक्त है। एंड वो तैयार कर लिया है। और भारती और उसकी मम्मी ने राजमा एग रोल करेक्ट। यस। तुम आ जाए। रुक जा पहले क्या आता है। इंटरनेशनल ट्रॉली। ट्रॉली इंटरनेशनल ट्रॉली लाई जाए। राजमा मम्मी ये क्या है। फाड़ दिया वो। ये क्या है। ऐसे चटनी से सॉस है बेटा। मेयोनीज़ सॉस। हां ऐसा अच्छी है चाट के देखो।
रुक जा बाब, गर्वेर इधर का भी टेस्ट करना है। हाँ तो सबसे पहले मैं पीछे होके खड़े रहे। अच्छा ये अच्छा पीछे से मुझे भी पीछे से। ओके बेटा मुझे चटनी से अब मुझे साथ में खा लेना। चटनी के साथ चटनी बेटा शायद तीखी हुई तो क्या बोलते हैं मुझे खट्टी है ये वाली मुझे इसके साथ खिलाओ। इनायत मैं ये स्माइली बॉल देना चाहूं। भैया मैं उठ जाऊंगा खाना बनाना तो आपसे सीखे पर मैं बता दूं क्यों बता क्योंकि जो ऑमलेट है ना मुझे बहुत पसंद है और सब्जियां अपने हेल्थ के लिए हेल्थ होती है हेल्दी। परी आप बताइए आप ये स्माइली बॉल किसको देना चाहेंगे पर इसमें जो चांस तो दे मुझे बोलने का चांस देना मैं जाऊं यहां से यार तेरा कुछ नहीं हो तेरा भी कुछ नहीं हो सकता मुझे पता है इनको ही देखी तो नाराज होने की क्या बात गल 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 अरे वो घर की बात है तुम क्यों नाराज हो रहे हो घर की नहीं ससुराल की बेटा बता दे रिजल्ट परी प्लीज मुंह बंद करो इसका इधर आ इधर जल्दी दे दे रिजल्ट जल्दी 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 दे दे रिजल्ट अरे मेरा हाथ चाट रहा है जल्दी दे दे मैं दे डिसाइड किया कि विनर इस साइड है भारती दीदी ने भी बहुत 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 ज्यादा अच्छा बनाया था है ओके कलर्स पर ही आने वाला है खतरे का थर्ड डिग्री है वो मुझे फील हुआ खतरे का तो धक्के खा रहा था नाम है खतरा 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 फंसे
राउंड तो सिर्फ मसाज था, असली पहलवानी तो अब होगी। मुकाबला जिसका विजेता जीतेगा वो 8 करोड़ का किचन चैलेंज। सामग्री देंगे, मुख्य सामग्री उसी को बेस बनाकर आपको मेन कोर्स बनाना होगा और इसके लिए आपको मिलेगा वही जो हिंदुस्तान से पंगा लेकर किसी भी देश को मिलता है, एक हर्ष इतना क्या खतरों के खिलाड़ी कर। अदरक, तो अदरक को बेस मानकर आप क्या बनाना चाहेंगे? अदरक की पनीर टिक्का है ना अम्मी? अच्छा बनाती है आपकी मम्मी? बहुत बढ़िया। और आप अच्छा हेल्प करेंगे? बहुत अच्छे से। भारती आप? मैं हम पंजाब से हैं तो थोड़ा पंजाबी डिश बनाते हैं, अदरक की सरसों का साग और मक्की की रोटी। रोटी अदरक मक्की की रोटी? मक्की बेटा, मक्की नहीं, मक्की मक्की। आप उसमें भी खुश हो रही थी, मक्की की रोटी। अच्छा अदरक जो चाय में डालते हैं? हाँ वो वाला अदरक। इस अदरक से यार कुछ अच्छा तो बनने नहीं मुझे वाला। मुझे अदरक बिल्कुल गंदा लगता है। सही मुझे अभी सही कहता हूँ, अदरक से कुछ नहीं बनने वाला अच्छा। वही इन्होंने तो हमारा मुराल ही डाउन कर दिया। वो होता ना कि बच्चा एग्जाम देने जाता है और माँ बाप कहते फेल हो। होगा IKK यानी इंटरनेशनल खूनी खेल। होंगे भारती, उनकी मम्मी और इनायत, और दूसरे टीम में होंगे हर्ष, उनकी मम्मी और गर्वित। हम एक एक करके दोनों टीम से किसी एक को खाने संबंधित कुछ नाम बताएंगे। ठीक है? ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं? जी।
आपको जीतना है। अब ये होता है सेकंड राउंड, निकालो, ये लास्ट राउंड है, डिसाइड करेगा। भैया ताली क्यों मार रहे हो, क्या बना रहे हो? धीरे दिखाओ, मैं समझ नहीं पा रहा। अंडू अंडू अर्जुन 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 10 9 8 7 6 5 4 काटा। ये बोल के भी समझ नहीं आएगा। इस खेल को जीता भारती और कमला जी। मैं काउंटडाउन दूंगा, आपकी सामग्री आपके सामने, आप तुरंत कुकिंग शुरू कर सकती हैं। सो काउंटडाउन दे दे इन्हें। 3 2 1 भारती स्टार्ट कुकिंग। भंगड़ा भी करना है ना?
मिंट डाला थोड़ा सा, लेमन जूस निकाल के जो हमने रखा हुआ है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च जिसे कहते हैं, और अदरक, अदरक की पेस्ट। मुख्य सामग्री मम्मी थोड़ा ज्यादा डालते हैं, मजा आएगा। बच्चे हैं, तीखा नहीं खाएंगे। अच्छा, इसको आपने मिक्स कर दिया। हर्ष, शादी के तीन साइड उन्होंने अगर मना कर दिया कि आज मंगलवार है, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना, हाँ। तो आप बाहर भी खाओ ना, तो आपको लगता है ये चिकन जिसको मैं खा रहा हूँ वो फोन करके बता देगा। अच्छा, मतलब वो एक गिल्ट फीलिंग रहती है कि बीवी ने मना किया है। जैसे बचपन में मम्मा कहती थी, हाँ। आज अंगारिका है, आज ये है, आज वो है, तो आज ये मत खाना, वो मत खाना। लेकिन अच्छा, योगर्ट, दही, दही जो है आप दही लेंगे। आंटी कितनी सॉफ्ट स्पोकन है यार, ये आप भारती से डर के तो ऐसा नहीं होता। आंटी मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? मैं तो लड़के की माँ हूँ। अभी इसमें दही डाल दिया, अभी ये जीरा, जीरा पाउडर। भारती, सरसों का साग। आंटी अपने बनाने लगी हूँ। okay. उसमें मैंने बथू डाला है। बथू पंजाबी में होता है, हिंदी में बथुआ, बथुआ, बथुआ साग और पालक, बथुआ साग और सरसों का साग। अच्छा, तो इसमें पानी डाला है या तेल? पानी, पानी डाला है उसमें। अच्छा, ये उबाल रही है। और ये क्या है? ये हरी मिर्च, हरी मिर्च थोड़ी, ओके, थोड़ी सी क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं। और लहसुन, थोड़ा सा लहसुन, लहसुन है, गार्लिक। और ये हमने इसीलिए छोटा छोटा काटा है क्योंकि बच्चे अक्सर मुंह में आता तो निकाल देते हैं। चलो, तीन सामग्रियां इसमें चली गई हैं। हाँ, अब ये डाल देंगे। ये चौथी, ये अदरक जो हमारी मुख्य सामग्री है, ये थोड़ा चली खानी चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा डालेंगे ताकि अदरक का स्वाद पूरे खाने में रहे, क्योंकि बचपन में कहा जाता था अदरक चेस्ट और नाक के लिए बहुत अच्छा होता है। जब बीमार पड़ते हैं, खांसी वासी होती है, तो अदरक का रस ये वो पिलाते हैं। ये पांचवी चीज, नमक। ओके, ठीक है। और थोड़ी सी हल्दी, छह हल्दी, ये है हींग, हींग, सात, सात चीजें डल गई। तुम्हें कितने चाहिए? कैसे संभालेंगे ये हमें जब तक? नहीं 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 रोएंगे, हंसते पैदा होंगे, हंसते पैदा होंगे, मैं वही कह रहा हूँ। और उनका नाम कुछ सोच रखा है भारती? हाँ, लड़की का फूल बानो, फूल बानो। और दूसरी लड़की का? बिमला देवी। सीटी बज गई। चलो, ये सीटियां बजती रहेंगी, मैं तब तक देखता हूँ हमारे हर्ष भैया क्या कर रहे हैं।
ये हमने मैरिनेट किया है। ओके मम्मी ने सिखाया मेरे को। क्या क्या डाला इसमें पहले? दही डाला, तो वन बाय वन इसमें डालेंगे। ओके पहले ये, अच्छा ये जो तंदूर, ये समझ गए हम सब ने ये देखा ही होगा। घर पर भी आप ऐसे बना सकते हैं जैसे कि हर्ष कैसे बना रहा है बहुत अच्छे से। ये ग्रिल करना है। ओके आप हाथ धो लीजिए, मैं तब तक भारती के पास जाता हूँ। भारती बहुत सवाल पूछ लिए तुमसे, इम्पोर्टेंट सवाल मैंने तुमसे पूछा ही नहीं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मजाकिया आंसर मत देना, सच सच बताना ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूँ। शादी से पहले ऐसी कौन सी तीन चीजें थी जो हर्ष करता था लेकिन अब नहीं करता है? उठने के बाद फोन करता था कि मैं उठ गया, मैं निकल गया, अभी वो चीजें नहीं करता क्योंकि वो साथ में ही सोता है। तो फोन तो करे ना, फोन तो है ना। अभी नहीं देता, अब पूरा टाइम देता है क्योंकि दिन भर साथ रहता है। थोड़ी देर पहले ही भारती ने हमें बताया इसको कंप्लेंट प्रॉब्लम है, साथ रह के भी बात नहीं हो पाती, बस यही होती है। खाना खा लिया? हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? मुख उतरा हुआ, ठीक है ना? हाँ चलो, बस यही तीन चार चीजें। पहले तो घंटों बाद रोती रहती, क्या कर रही है, अच्छा पीछे कौन है, किसकी आवाज है, यही चट चिड़ियों तोते कोयल की भी आवाज पूछता था, ये कौन सा जानवर है। फिर अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जरा सी कभी ये बाहर हो या मैं बाहर हो थोड़ा शोर, रुकना बाद में करता हूँ मैं, रुक बाद में करता हूँ। और फिर वो बाद में कभी भी नहीं बाद में आया, वो बाद आता ही नहीं कभी। और एक और कोई चीज है जो आपको चाहिए कि यार ये तो अब उसको करनी ही चाहिए, ये पहले बहुत करता था अब नहीं कर रहा है? तू क्या कर रही है इसको, क्या क्या मतलब ये आटे को? ये हाथ से ही किया जाता है? बड़ी बड़ी रोटियां देख के अक्सर बच्चे डर जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी बनाई है ताकि उनको ऐसे पकड़ के ऐसे खाएं, थोड़ा सैंडविच टाइप लगे। हाँ। ये मक्की की रोटी है, मक्की की जो रोटी जो बच्चों की हाइट के और उम्र के हिसाब से बना रही हूँ मैं। ओके और इधर तड़का तैयार हो रहा है सरसों के साग का जो देसी घी में है। इसके बाद फिर ये जो उबला हुआ है ये खोलें क्या आंटी? सो 21 सवालों के बाद आखिर कुक ऑफ यानी आखिरी कढ़ाई का राउंड खत्म हुआ। सेलिब्रिटीज अपने खाने को सजाने का टाइम आ गया है। प्लेटिंग
तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तीन बुक्कड़ जजेस को अपने अपने स्माइली बॉल लेके। बटर ये ग्रीन ग्रीन क्या है? हाँ ये ग्रीन ग्रीन क्या है? अरे बेटा बहुत टेस्टी चीज है, खा के तो। और ये पापड़ है क्या? ये सर्कल की शेप में कैसे है पापड़? ये तो शायद चूड़ा है। चूड़ा नहीं, खा ले बेटा खा। टेस्टी। ये क्या है? वो तो गुड़। स्वाद अच्छा नहीं है पर दीदी ने बोला था ना साग थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब हर्ष भैया की बारी है। लगता है इनको हर्ष वाला थोड़ा ज्यादा पसंद आ रहा है। यार पर ये बत्ता क्या है? कैसे पता चला? ऐसा लग रहा है क्योंकि आप चपेटे जा रहे हो ना उसको। जो भी मुझे अच्छा लगता है ना वो मैं मम्मी को तो खिलाती हूँ, तो ये मुझे बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा है। अब रिजल्ट की बारी, जल्दी 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 बताओ गर्वित, आपको ये बॉल किसको देनी है? पहले मैं, पहले मैं। हाँ बताओ बताओ। बहुत ज्यादा क्रंची और चीज बहुत ज्यादा अच्छा, उसमें मसाला भी बहुत अच्छा डाला है, और चटनी मैं तो सारी खा सकती हूँ चटनी, क्योंकि आई लव चटनी। हाँ। क्योंकि जो पनीर है ना मुझे बहुत पसंद है, और साथ ही साथ वेजिटेबल हेल्थ के लिए होती है, और चटनी तो कि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। वाह वाह। पूरे 8 करोड़ रुपए का पहनाओ मेरी मम्मी को। वाह 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 वाह।
सपोर्टिव होती है औरतें, क्योंकि कई बार आप जब थक जाते हो या कई बार काम में आपको सही कहा कि वो जो है हमारी बैकबोन होती है, वो हमेशा हमें सपोर्ट करती है। देश में जितनी भी औरतें हैं, दुनिया में, सभी को विमेंस डे विश करना चाहूंगा, खास करके मेरी माँ और मेरी बीवी को भी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.